तो इसका नाम क्या है? ACM wow method. देखो जरा ध्यान से देखना, तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें इस वाले नंबर के फैक्टर ढूंढने हैं, जितने निकल सकते हैं. बोलो कितने निकल सकते हैं? एक हो गया, दो, चार, आठ और एक तो हमेशा होता है, ठीक है. क्या देखा तुमने कि एक दो तीन चार, एक दो चार और आठ, मेरे पास चार इसके फैक्टर है, ठीक है. पहली बात तो क्यूबिक कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है, यानी आंसर कितने होंगे इसके? तीन होंगे. चलिए इसमें से एक रिजेक्ट हो जाएगा. वो रिजेक्शन का तरीका देखो, तुमने किस वाले नंबर को चेक करना है, इसके आगे कितना है? सात. बताओ इनमें से किन किन का टोटल सात आता है? इनका आ रहा है 1 + 2 + 4 का टोटल कितना आ रहा है? सात. तो ये आपका आंसर है, ठीक है. और ये आपने क्या करना है, जब आपने आंसर निकाल लिया इनके साइन चेंज करने हैं. -1, -2 and -4 इज द आंसर. अरे कितना आसान तरीका, आप बेशक छोड़ करके देख सकते हो, इक्वल टू 0 आएंगे. मजा आया ना देख के, खुश हो गया मिलिंद का, कहता तो चक्कर ही भेजी था मैं, सारे सारे क्वेश्चन चक दे रहे, ठीक है. कॉपी करो, चलो जी. एक क्वेश्चन देखें सेम मेथड पे. अगली इक्वेशन क्या है? x की पावर क्यूब प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15 इक्वल टू 0. 15 के ब्रेक निकालेंगे, पहला तो 1 बनेगा बनेगा, फिर 3, फिर 5, फिर 15. तो हमें इसके अलावा देखना है 9 में, 9 इक्वल टू क्या हुआ? 1 + 3 + 5. आंसर क्या हुआ? -1, -3 and -5. वाह वाह सब मजा आ गया है. हाँ फिलहाल इसमें देखो, इसमें क्या चीज आपको दिख रही है, इसके जितने भी वो है साइन सारे प्लस में है, सारे क्या अभी तक प्लस में, यानी आंसर सारे माइनस में आएंगे, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो इस तरह के जीरो का बराबर हो सकता है, ठीक है. यानी हमने क्या करना है, हम लोग पॉजिटिव इक्वेशन में खेल रहे हैं, आराम से एप्लीकेबल है. पॉजिटिव इक्वेशन आया तो तुम्हारी लॉटरी लगती है, ठीक है. नेगेटिव पॉजिटिव आएगी वो आगे मैं और से करता हूँ, उसमें भी लॉटरी लग जाएगी, कोई चक्कर नहीं. चलो ये अगली इक्वेशन मैं दे रहा हूँ तुम्हें, आंसर फटाफट निकाल के इसका, तुम्हें मिलेंगे केवल 10 सेकेंड. निकाल उसका आंसर जल्दी. तीन का टोटल देखना है, तीन का टोटल 10 के बराबर, तीन का टोटल देखना तुमने, दो का नहीं देखना. -1, -3, -3 का, ठीक है. तो तुम होगा इंटेलिजेंस, आंसर है -1, -3 and -6. मिटा दो उसको, चले आगे. रिटर्न ट्रायल का चक्कर खत्म, प्लस वाली इक्वेशन में अब देखते हैं, थोड़ा सा माइनस प्लस करते हैं बीच में. चलो ये मेरा है एक्स का क्यूब, फिर आया पॉजिटिव का रखा -7x² + 5x - 2 = 0. हमें बस क्या है -2, इसके ब्रेकअप अगर मान लो तो क्या बनेंगे 1 और 2, ठीक है. तो 3 चाहिए तो 1 फिर से ले लो, ये प्रॉब्लम थोड़ी ना, तो 1 आप फिर से ले लो, ठीक है. अब अगर आप इसका टोटल करो तो क्या आएगा, अगर मैं इसका करूं टोटल तो कितना आएगा? 4. ये फिर बना के देखता हूं, 1 2 2. अब इसका टोटल करूं अब कितना आ रहा है हमारे साथ, अब भी 5 ही आ रहा है, अब भी मेरा नहीं बन रहा, ठीक है. तो अब आप इसको कैसे करोगे? अब यहाँ पे हमारे जो है वो जो रूल था वो फेल कर गया,
समझा रहा तुम्हें तरीका, कब एसीएम वाओ मेथड नहीं लगेगा। आ रही बात हमें? अब यहाँ पे हम लोग एसीएम वाओ मेथड नहीं लगा सकते। अब हमने क्या करना है, हमने रिटर्न ट्रायल करना है। नाउ वी आर गोइंग टू रिटर्न ट्रायल, और रिटर्न ट्रायल आपको बनाना सिखा रहा है। इसमें कोई भी नंबर यूज करके पहले वो यूज कर दो, और फिर वो जब आपके क्वेरी के पेज में कन्वर्ट हो जाए तो उसको फिर सॉल्व कर। ठीक है, तो ऐसे वो मेथड आपने जब लगाना है जबकि वो एप्लीकेबल हो कि यहाँ पर उसका प्लस माइनस करके पास है, इसी क्वेश्चन को आप चेंज करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आगे कहाँ चलेगा, हिट एंड ट्रायल। अभी फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है माइनस फोर कर दो उसको। अब क्या है मेरे पास, वन टू और फोर, एक इसके माइनस के, ठीक है हमारा ये माइनस का, ठीक है, और ये हमारा किस चीज का है, माइनस का है। तो मैं क्या करूंगा, भैया मेरे को माइनस का होना चाहिए तो मैं इसको माइनस ही रहने दूंगा। ठीक है जी, मैं इसको इसके हिसाब से देखा, पहले मेरे को माइनस का चाहिए, इसके हिसाब से देखा मेरे को माइनस चाहिए, ये माइनस ही रहे आंसर आपका माइनस वन माइनस टू माइनस फोर। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। तो यहाँ पे हमारा वाओ मेथड नॉट एप्लीकेबल। तो एक ही क्वेश्चन लिख के तो सॉल्व करके दिखाओगे, x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ जी, है कभी अंदर कोई भी आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आपने क्या देखना है, तो ऐसा में आ जाए तो इसमें लास्ट का वेरिएबल क्या है, हाँ जी देखो जी लास्ट का वेरिएबल क्या है, जीरो है, तो इसका आंसर क्या है, जीरो। ठीक है, क्योंकि इस वेरिएबल से ही इसके आंसर बनते हैं, और ये वेरिएबल ही जीरो है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन का आंसर जीरो है। मैं फिर जीरो फुट फुट जीरो फुट जीरो फुट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो तीन जीरो लगा लो आंसर, ये तो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, बताऊं तो ये तो मैं तो कराता हूँ आपको, जब सवाल होने लगे कॉम्प्लिकेटेड तो इसके लिए एक और मेथड है, एसीएम सिंथेटिक मेथड। क्या क्या है सर, क्या क्या नाम रखे हैं आपने, है ना, सुनेगी नहीं कभी, सिंथेटिक मेथड। ये वाला मेथड वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, मेथड लिखो मेथड, इंटरनेशनल बाहर देशों में इसी मेथड से जो है क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के। इंडिया में नहीं सिखाया जाता ये, मैं लाया हूँ भारत देश से, हम लाए हैं तूफान से, किसकी मुताबिक। तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। क्या आपको इसका कोई सॉल्यूशन दिखता है, कोई एक एक वन, अगर मैं इसमें प्लस का वन पुट कर दूं तो ये आंसर दिखता है ना,
आपने ऐसे एक पहले एक नंबर ढूंढ लेना जो कि इसका सोल्यूशन है। ऑलरेडी आपने एक जगह ना हिडन ट्रायल करते हैं, आपने पहले हिडन ट्रायल के बेस पे एक नंबर ढूंढ लेना है ये इसका सोल्यूशन है, और फिर जाके जो है सिंथेटिक मेथड लगाना है। देखो कैसे लगेगा, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज कैसे लगेगा जी। इसका क्या भाई, इसका क्या नंबर है वन, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, ये चार नंबर आपके पास है ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या है ठीक है जी। आपने क्या करना है, ये क्लाइंट खींच लो, ये नंबर उठा के एल डी रख लो, और इसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ पे। क्या क्या आपने सॉल्यूशन नंबर को आपने नीचे कॉपी कर दिया। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे बात समझ, इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिख लो, वन वन द वन, इसका सॉल्यूशन करो तो क्या आया जीरो ठीक है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया जीरो, इसमें से लेस किया तो क्या आया टू, अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो कितनी वैल्यू आई, प्लस का टू वैल्यू कितनी आई ठीक है। तो आपके यहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है, आपके यहाँ भी ये पड़ा हुआ है, आपके यहाँ भी एक ये पड़ा हुआ है, इस वजह से आप क्या करोगे यहाँ पर इसको दोगे आप क्या नंबर एक्स स्क्वायर, क्या दोगे एक्स स्क्वायर कितना है वन एक्स स्क्वायर, बाकी ये जीरो है, ये पोजीशन क्या है एक्स की, ये हो गया जीरो एक्स, ये पोजीशन वेरिएबल की है प्लस टू ठीक है, यानी आपके इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका माइनस कर दो ठीक है, और एक्स कितना आ गया आपका माइनस अंडर रूट ठीक है, माइनस प्लस भी बोल सकते हैं इसको, दो निकलेंगे ना फिर एक माइनस और एक प्लस अंडर रूट टू, तो आपके पास क्या क्या आ गया इसके आंसर, इसके आंसर आ गया आपके वन माइनस रूट टू और प्लस, दोबारा समझाओ एक बार फिर से ठीक है। क्या करना है आपने सबसे पहले, सबसे पहले आपने इससे एक सोल्यूशन ढूंढ लेना है ठीक है, फिर इसके जो आगे वेरिएबल्स है नंबर्स है उसको लिखना है, और जो सोल्यूशन आपका पॉइंट है वहां लिखना है। पहली बार आपने आईडी कॉपी करना ठीक है, यहाँ से यहाँ कॉपी करना है, इसको कुछ नहीं करना आपने इससे, इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कॉपी करना है, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है प्लस माइनस जो भी है, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर जो भी निकल रहा है, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, फिर जो भी निकल रहा है ठीक है। फिर ये जो है एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है और ये नंबर है, ये हमेशा जीरो आ जाएगा लास्ट वाला आपका ठीक है, और फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व करो। आया समझ में सिंथेटिक मेथड, कॉपी करो ठीक है। तो आपने कॉपी क्या करना है, ये वाला नंबर कॉपी करना है, ये नहीं कॉपी करना, फिर बाद में ये मल्टीप्लाई करके ऐसे, ये मल्टीप्लाई करके ऐसे, ये मल्टीप्लाई करके ऐसे ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन अगर आप देखो तो आंसर आपके क्या मिल रहा है, आपको इसके एक आंसर माइनस वन मिल रहा है, माइनस वन रखने पे जीरो हो रहा है ठीक है। तो माइनस वन यहाँ पे आ गया, आ गया आपका वन सेवन माइनस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है। तो ये नंबर आई टी कॉपी हो गया, दिस इंटू दिस माइनस वन हो गया ठीक है, सेवन माइनस वन सिक्स हो गया, दिस इंटू दिस माइनस सिक्स हो गया, ये माइनस ट्वेंटी सेवन हो गया, दिस इंटू दिस ट्वेंटी सेवन हो गया माइनस का और प्लस का, ये जीरो हो गया ठीक है। आपके आगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो। अब आप इसका ब्रेकअप कर देंगे ठीक है, कैसे करते हैं ब्रेकअप, देखो दिस इंटू दिस यहाँ पे एक होता है, दिस इंटू दिस होता है, तो आपके क्या सत्ताईस आ रहा है, सत्ताईस के ऐसा ब्रेकअप जिसको ऐड या लेस करने पे छह आ जाए प्लस का छह, अगर मैं नौ और तीन को करूँ मल्टीप्लाई तो सत्ताईस आता है, हाँ जी छह आता है, आता है कौन सा चाहिए प्लस का चाहिए, तो प्लस वाला बड़ा कर दो और माइनस वाला छोटा कर दो ठीक है। क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो, आ गया आपका एक्स बाहर लिया एक्स प्लस नाइन, यहाँ पे थ्री लिया एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, आपके यहाँ वैल्यू आ गई एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इक्वल टू माइनस ठीक है।